बसमीम डियर स्टूडेंट्स असल ऑन बिहाफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई वेलकम नंबर 39 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी स्टूडेंट्स हमारी पिछले लेक्चर में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जो डिस्कशन थी उसको हम लोगों ने वाइंड अप किया और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से ऑनवर्ड्स वील टॉक अबाउट द समिंग अप ऑफ ऑल द टिक्स वी हैव गॉन थ्रू इन द टिक ऑफ आई जब हम टी और फिर आईपी की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स जो है उनको देखा दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड आर इंटरनेटवर्किंग पोर्शन एक बिग सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वन ऑफ़ कोर्स पैकेट्स, एंड देन दिस सेकेंड वन वॉज इंटरनेटवर्किंग स्टूडेंट्स आज हम इस इंटरनेटवर्किंग का जो हमारा पोर्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लास्ट लेक्चर को इसके लास्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपनी उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमने टीसीपी और आईपी की डिस्कशन करते हुए हम लोगों ने हासिल की है उसको सम अप कर लें उसको गैदर अप कर लें बिफोर वी मूव ऑन अब स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टूल उसकी हमने बात की थी और बात को थोड़ा सा उस चैप्टर को वाइंड अप किया था तो एज यूजल विल गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर थर्टी और एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि कौन से टॉपिक्स थे जिनको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था स्टूडेंट्स इसी लेक्चर को स्टार्ट किया हमने विद डिस्कशन ऑफ ट्रांसलेशन टेबल और मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के केस में व्हेन यू हैव अंगल स्म इन विच यू आर यूजिंग द प्राइवेट एड्रेस एंड देन यू आर ओनली असाइंड वन यूनिवर्सल आई एड्रेस दैर यू कैन यूज टू कम्युनिकेट विद अदर कम्प्यूटर्स ऑन द इंटरनेट तो इस केस में आपके पास क्या होता है कि हर नेटिंग डिवाइस के अंदर एक ट्रांसलेशन टेबल जो है वो बना दिया जाता है और उस ट्रांसलेशन टेबल में वट यू हैव इज यू हैव एन एंट्री फॉर एवरी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो अब स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन टेबल की बात की थी कुछ एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे इस ट्रांसलेशन टेबल्स में एंट्रीज जो हैं वो रखी जाती हैं किस तरह से नैट डिवाइस जो है मैनुअली भी इन एंट्रीज को एक्सेप्ट करती है एंड हाउ केन वी एक्चुअली मेक दिस नेट डिवाइस टू ऑल्टर दीज एंट्रीज ऑटोमेटिकली फिर स्टूडेंट्स कुछ हमने बात की थी अबाउट अ वेरियंट ऑफ नैट और वो हमारा वेरियंट था एन ए पी टी नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन और ये एन ए पी टी की हमें जरूरत क्यों पेश आई थी स्टूडेंट्स द रीज़न बिहाइंडट वेन यू एक्चुअली वॉन्ट टू कम्युनिकेट यू नो विध सिंगल डेस्टिनेशन मल्टीपल कम्प्यूटर्स एट योर साइट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद वन सिंगल डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट सब स्टूडेंट्स जब हमने बेसिक ट्रांसलेशन टेबल को देखा था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि हर कम्प्यूटर जो कि आपकी प्राइवेट साइट पर मौजूद है हर मशीन जो कि आपकी प्राइवेट साइट पर मौजूद है जब वो किसी भी इंटरनेट पर मौजूद डेस्टिनेशन से इंटरेक्ट करेगी तो एक स्पेसिफिक एंट्री जो है वह ट्रांसलेशन टेबल में रख दी जाएगी अब स्टूडेंट्स जब इंटरनेट बेमौजूद जो डेस्टिनेशन है उससे जब रिप्लाई हमारे पास आएगा तो क्या होगा नेटिंग डिवाइस उस इनिशियली प्रेजेंट जो है आपके पास एंट्री उसको देखेगी और वो ये देखेगी कि इस होस्ट से इंटरनेट पर मौजूद इस डेस्टिनेशन से जहां से रिप्लाई आया है इसको इनिशियली किसने मैसेज भेजा था इस स्पेसिफिक प्राइवेट साइट से यह एंट्री को देखने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो जो रिस्पॉन्स वापस आएगा वो उसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को आपकी प्राइवेट साइट पे भिजवा दिया जाएगा अब स्टूडेंट्स एज लॉन्ग एज ओनली वन मशीन ओनली वन कंप्यूटर ऑन द प्राइवेट साइट इज कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टूडेंट्स जब आपकी प्राइवेट साइट पे मौजूद मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल कम्प्यूटर्स अगर वह इंटरनेट पर मौजूद एक ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें तो देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम क्यों ट्रांसलेशन टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज आ जाएंगी लेट सपोज कंप्यूटर ए ने एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डी को एक पैकेट भेजा या एक आ, एक स्पेसिफिक मैसेज सेंड किया जिसका रिस्पांस जो है वो रिक्वायर्ड है अब स्टूडेंट्स लेट सपोज उसी टाइम पर एक और प्राइवेट साइट पे मौजूद एक और मशीन बी ने उसी डेस्टिनेशन डी को इंटरनेट पर जो मौजूद है उसको एक मैसेज भेज दिया तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी नेट डिवाइस के अंदर जो ट्रांसलेशन टेबल है उसके अंदर दो एंट्रीज आ गई एक एंट्री फॉर डिवाइस ए द अदर एंट्री फॉर डिवाइस बी और दोनों के लिए डेस्टिनेशन डी जो है दैट इज द सेम तो अब स्टूडेंट जब वहां से रिस्पॉन्स वापस आएगा तो नेटिंग डिवाइस जो है इट विल बी कन्फ्यूज योर नेटिंग डिवाइस विल नॉट बी एबल टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन दैट ट्रांसलेशन टेबल अबाउट वट स्पेसिफिक मशीन टू फॉरवर्ड दैट रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स ऐसे केसेस के लिए वी हैव अ वेरियंट ऑफ नैट एंड दैट इज नोन एज एन ए पी टी या फिर नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन अब स्टूडेंट्स एन ए पी टी जो हमारे पास है इस केस में एज द नेम रिप्रेजेंट ना सिर्फ हम ट्रांसलेशन टेबल के अंदर आई पी एड्रेसेस रखते हैं दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन का बल्कि वी ऑल्सो स्पेसिफाई द पोर्ट्स अब स्टूडेंट्स ये पोर्ट्स वही हैं जो कि हमने आपको याद होगा टी सी पी या फिर यूडीपी की डिस्कशन में जो हमने पोर्ट्स पढ़ी थी दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्स तो स्टूडेंट्स इस पोर्ट के एडिशन से अब हमारी नेटिंग डिवाइस जो है दैट इज केपेबल ऑफ एक्चुअली डिटेक्टिंग दैट इज केपेबल ऑफ एक्चुअली वर्किंग विद नॉट द इंडिविजुअल कंप्यूटर्स बट ऑल्सो द इंडिविजुअल यूडीपी और टी सी पी शंस तो आप स्टूडेंट क्या होगा यूजिंग दिस एनएपीटी आपके ट्रांसलेशन टेबल में एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी एंड दैट इज ऑफ द पोर्ट दैट बोथ द मशीन दैट योर स्पेसिफिक प्राइवेट साइट दे आर यूजिंग और अब चाहे एक मशीन एक ही डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर रही हो वन टू वन या फिर दो मशीन्स एक ही डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर रही हो टू टू वन या फिर तीन मशीन्स कर रही हो या फिर सो वन वी विल Differentiate between all these machines or computers on your private site that are communicating with one single destination by using the specific port numbers that they are using. So, students ye concept tha NAPT ka. Ab students, NAPT equals show us a concept, aapko tha and that concept was of TCP splicing. Students, this port ke concept ko use karteve, NAPT ko use karte vai, we can also accomplish.

दोस्त टू साइड द एंड सिस्टम जो हमारे होंगे आखिर में जो कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे जिन्होंने नैट डिवाइस से टी सी पी सेशन एक एक्टिवेट किया हुआ है उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि दरमियान में एक स्प्लाइसर भी आ रहा है दरमियान में एक नैट डिवाइस भी आ रही है बट आई मीन दिस दिस नेट डिवाइस इट विल स्विच दस इट विल चेंज द वैल्यूज इन बोथ दैडर्स ऑफ बोथ द सेशन एंड सो इट कैन एक्चुअली मेक इट टू वर्क एज अ सिंगल पाथ बिटवीन द टू मशीन्स एट द Uh, students, ये तो एक वेरिएंट था हमारा नेट NET का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का फ्रेंड्स दो और वेरिएंट्स की भी हम लोगों ने बात की थी और वो वेरिएंट्स थे नंबर वन दैट वाज ट्वाइस नेट। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने एक पहले प्रॉब्लम स्पेसिफाई की है कि एन को हमने कब यूज किया या एन का कॉन्सेप्ट कब आया वो उस वक्त आया जब दो या दो से ज्यादा मशीन्स जो कि आपकी प्राइवेट साइट पे मौजूद हैं उन्होंने एक ही इंटरनेट पर मौजूद डेस्टिनेशन से इंटरैक्ट करने की कोशिश की स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब इंटरनेट पे मौजूद कोई साइट आपकी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना चाहे तो स्टूडेंट्स उस सूरत में आप ये सोचें कि नैट डिवाइस के पास ट्रांसलेशन टेबल में कोई भी वैलड एंट्री मौजूद नहीं होगी स्टूडेंट्स इस केस में अगेन यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता चलो जो मैंने नैट को पढ़ाते हुए भी दी थी ट्वाइस नैट स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली द केस जब आपके प्राइवेट साइट के ऊपर जहां पे आप नैट यूज कर रहे हैं बाकी सब एड्रेसेस प्राइवेट हैं सिर्फ एक वैलिड यूनिवर्सल आई पी एड्रेस आपको असाइन किया गया है इफ दैट प्राइवेट साइट इज रनिंग सर्वर ये सर्वर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मैं इनिशलाइज कर दू यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स में आगे जाके आप पढ़ेंगे एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स में या फिर हो सकता है इसी कोर्स में प्रोवाइडेड वी हैव द टाइम आई गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स लेकिन क्लाइंट्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ स्लेब्स अगर आपने वो डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन का कोई कोर्स अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट तो स्लेव और मैस्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा फ्रेंड्स so, इसी तरह से इट्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम एनालॉजी A client is a slave, a server is a master. So client always go and contacts the server for whatever information it needs. Now, students, let's suppose that our private site, you that contains servers. Just when I told you, the clients need to approach the server to extract the information. Students, in this case, our communication will initiate from the internet. स्टूडेंट्स इट्स अगेन अ प्रॉब्लम नेट डिवाइस में तो हमारे पास वो एंट्री ही मौजूद नहीं होगी तो जब इंटरनेट से आप कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेंगे तो ट्रांसलेशन टेबल में कोई एंट्री मौजूद नहीं है नेट डिवाइस विल अगेन भी कंफ्यूज स्टूडेंट्स इस केस में देर इज अनदर वेरिएंट ऑफ नेट दैट वी यूज बताया था इस बारे में हेल्प ऑफ अर डोमेन नेम्सोम इंट्रोडक्शन दी थी आपको द सेम ने दैट यू टाइप इन द एड्रेस विंडो ऑफ योर वेब ब्राउजर टू गो ऑन टू द स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट तो फ्रेंड्स क्या होगा ये जो वेब ब्राउजर है इस इस केस में आपका जो इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर है वो आपकी प्राइवेट साइट के ऊपर मौजूद डी एन एस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा डी एन एस उस स्पेसिफिक कम्प्यूटर के नाम के साथ उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा उसको कॉरस्पॉन्डिंग आई पी एड्रेस में रिजोल्व करेगा और वापस उस इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर को वो इतला भेज देगा कि तुमने अगर इस नाम के कंप्यूटर को कुछ भेजना है तो ये वाला आईपी एड्रेस यूज करो इज़ अनदर वेरिएंट ऑफ इट इज नोन एज स्टूडेंट्स द लास्ट वेरिएंट ऑफ नैट दैट वी टॉक्ट अबाउट वाज कैट केबल एड्रेस ट्रांसलेशन और मैंने आपको बताया था कि दिस वॉज बेसिकली इवॉल्व बाई एंड दिस वॉज बेसिकली यूज बाय द केबल प्रोवाइडर्स और इस केस में जो कैट है दैट यूज एन जिसको हमने पहले डिस्कस किया है प्लस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल प्रोसीजर्स एडिशनल प्रोसेसेस और ये एडिशनल प्रोसेसेस जो हैं दैट अलाउ द केबल प्रोवाइडर्स टू एक्चुअली इंटरैक्ट विद दैट केबल बॉक्स जो कि आपके घरों में होता है उस केबल बॉक्स से वो इंटरैक्ट कर सकते हैं उस पर चेंजेस कर सकते हैं लॉग्स स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज नोन एज अ केबल एड्रेस ट्रांसलेशन उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कुछ बात की थी इन ऑर्डर टू फिनिश अप दिस चैप्टर वी टॉक द लिटल बट अबाउट द यूज़ ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ऐट होम मैंने आपको बताया था कि दो वर्जन्स हमारे पास नैट के होते हैं जैसा कि उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था एक तो सॉफ्टवेयर वर्जन है तो वट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली मेक वन ऑफ द कंप्यूटर्स इफ़ यू है मल्टीपल कम्प्यूटर्स एट यूर होम और एट योर ऑफिस तो आप एक कंप्यूटर के ऊपर ये नेट सॉफ्टवेयर चला कर तो वट यू कैन डू इज

ट्रांसलेशन टेबल एंड ऑल दैट स्टाफ एंड देन यू कैन कनेक्ट मल्टीपल कम्प्यूटर्स विद दैट नैट डिवाइस स्टूडेंट्स ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इस टॉपिक के साथ हम लोगों ने इस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नैट के चैप्टर को वाइंड अप किया था और आज के चैप्टर में स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टिंग अबाउट दर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ऑफ आई पी राउटिंग और जैसा मैंने आपको पहले बताया शुरू में इंट्रोडक्शन दी थी कि आईपी राउटिंग जो है दैट इज गोइंग टू वाइंड अप आर डिस्कशन ऑफ दिस वर्किंग पोर्शन ये आखिरी चैप्टर है जो कि हम इस बिग सेक्शन ऑफ वर्किंग के बिल्कुल एंड में पढ़ रहे हैं और इस आखिरी चैप्टर में आई राउटिंग में वील एक्चुअली गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के बगैर आपकी जो आई या टी सी पी आई पी की डिस्कशन जो है दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड और ये टॉपिक क्या है दिस टॉपिक इन दिस आईपी राउटिंग थिंग वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ योर राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्चुअली प्रोपगेट्स इनसाइड एन इंटरनेट स्टूडेंट्स हमने राउटिंग टेबल्स की बात की हमने फॉरवर्डिंग की बात की हमने डेटाग्राम्स की बात की टी की बात की यू की बात की देन वी टॉक्ड अबाउट द आई हमने अब तक ये नहीं देखा कि जब हम राउटिंग टेबल की बात करते हैं हमने ये तो बता दिया कि राउटिंग टेबल किस तरह से होता है किस तरह से राउटिंग टेबल जो है कहाँ पे मेंटेन होता है होस्ट के अंदर भी एक राउटिंग टेबल होगा राउटर्स के अंदर भी एक राउटिंग टेबल होगा लेकिन स्टूडेंट्स ये राउटिंग टेबल जो है ये बनता कैसे है किस तरह से वैल्यूज इसमें आती हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं दैट वी कैन यूज टू एक्चुअली पॉपुलेट दीज राउटिंग टेबल्स एंड देन हाउ डज दिस राउटिंग टेबल एक्चुअली ट्रेवल फ्रॉम वन होस्ट और वन राउटर टू अदर होस्ट और द अदर राउटर in order to actually populate these routing tables and to find the optimal routes, to find the shortest possible routes inside an internet. The students, this is our topic, we will start it and with uh, yes, the completion this topic, I have we will finish up with our major portion of internet working in this course. Now students, um, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा और आगे डिटेल में लेके चलूं, दो बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा आपके लिए बनाई वॉज अ स्टूडेंट एन आई वॉज गोइंग थ्रू दिस कम्प्यूटर नेटवर्क थे तो उस वक्त मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी और मैं मुनासिब समझा कि मैं आपको भी क्लैरिफाई कर दूँ बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल्स अबाउट इट स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ फॉर्वर्डिंग डाटाग्राम फॉरवर्डिंग पैकेट फॉरवर्डिंग यू नो आपको ये फॉरवर्डिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है इससे हम काफ़ी ज्यादा अटैच हो चुके हैं स्टूडेंट्स दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास राउटिंग का पैकेट राउटिंग डाटाग्राम राउटिंग अब स्टूडेंट्स ये फॉरवर्डिंग में और राउटिंग में ये फर्क क्या है तो अब मेरा ख्याल है जो सारा हमने बैकग्राउंड एक uh, बना लिया है अपना टी सी पी आई पी एंड देन ऑफ राउटिंग एंड ऑल द अदर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स Now is the time to actually differentiate these two concepts. Forwarding is a different concept, routing is another thing. Let us go on to the slide and actually try to differentiate between these two. And the detail I will you. So, students, the slide, the terminology that is different, concepts are different, and if you want to specialize in computer networks or if you want to actually you know go and study an advanced topic in computer networks so you should actually know what is the difference between these two words what do we mean by forwarding and then what do we mean by routing. The students forwarding paas jo hai, that actually refers to the datagram transfer a datagram transfer jo hai, that can be performed by a host or that can be performed by a router और गौर कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है व्हेन यू आर एक्चुअली फॉरवर्डिंग अ डेटाग्राम यू आर एक्चुअली फॉरवर्डिंग अ पैकेट तो फॉरवर्डिंग यूज राउटिंग टेबल्स आपके होस्ट या आपके जो राउटर के अंदर मौजूद है राउटिंग टेबल उसको यूज करते हुए वट वी कैन डू इज वी कैन फॉरवर्ड अ पैकेट और वी कैन फॉरवर्ड अ डेटाग्राम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास राउटिंग का राउटिंग तो जो है इन टेक्निकल नेटवर्क्स टर्म राउटिंग रेफर प्रोपोगेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास एक राउटर में एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन कुछ मौजूद है राउटिंग टेबल के अंदर स्टूडेंट्स तो उस राउटिंग इंफॉर्मेशन को व्हाट वी वांट टू डू इज वी वॉन्ट टू प्रोपोगेट दिस राउटिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर राउटर्स टू नेबरिंग राउटर्स टू नेबरिंग होस्ट ताकि उन्होंने अगर किसी स्पेसिफिक होस्ट को कुछ पैकेट या कुछ डाटाग्राम फॉरवर्ड करना है तो वो भी इस राउटिंग टेबल को यूज कर स्टूडेंट्स फर्क जो है वो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉर्वर्डिंग जो है इट इज यूजिंग द राउटिंग टेबल्स एंड दैट एक्चुअली रेफर्स टू एक्चुअल डेटा ट्रांसफर या पैकेट ट्रांसफर या फिर डेटाग्राम की ट्रांसफर राउटिंग की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर और द प्रोपगेशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन इट और ये जो प्रोपगेशन ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन है ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन दिस इज परफॉर्म बाय राउटर्स आउट हेयर और स्टूडेंट्स राउटिंग करती क्या है इट इंड सर्च और चेंजेस द वैल्यूज इन द राउटिंग टेबल्स आगे चल के मैं इसको थोड़ा स्टूडेंट्स थोड़ा सा और एलाब्रेट करूंगा आपके लिए लेकिन इस बात पे गौर कीजिएगा कि लेट सपोज एक राउटर के पास कोई ऑप्टिमल राउट मौजूद है तो स्टूडेंट्स क्या होगा वो इस ऑप्टिमल राउट को इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट को फॉर अनदर होस्ट इट विल एक्चुअली कम्युनिकेट दिस शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट टू द नेबरिंग राउटर जो उसके साथ वाला राउटर होगा उसको भी वो कम्युनिकेट करेगा और स्टूडेंट्स ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन है जो राउटिंग इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर है जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन की प्रॉपगेशन है दैट वी विल कॉल एज राउटिंग सो राउटिंग इज एक्चुअली द प्रोपगेशन ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स सो दैट ईच ऑफ दिज राउटर्स कैन एक्चुअली फाइंड अ ऑप्टिमल राउट फॉर एनी होस्ट और एनी कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट स्टूडेंट्स ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं इंशाल्लाह जब हम ये चैप्टर खत्म कर चुकेगे तो आप इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आई थिंक यूल नॉट बी कन्फ्यूज अबाउट देम एनी मोर तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा फॉरवर्डिंग और राउटिंग का डिफरेंस था अपने चैप्टर की जाने पर आएंगे एंड लेट स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक एंड वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ राउटिंग दैट वी हैव एंड द टू टाइप्स आर द स्टेटिक राउटिंग एंड द डायनामिक राउटिंग स्टूडेंट्स स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका हमने पहले भी देखा था लेकिन डिटेल्स में नहीं गए थे स्टूडेंट स्टैटिक राउटिंग जो है आपकी वो है राउटिंग की टाइप की जिसमें आपके राउट्स जो है वो चेंज नहीं होता द राउट्स रिमेन कॉन्स्टेंट द स्टैटिक राउट्स डू नॉट चेंज अनलेस और अनटिल एन एरर इज फाउंड आउट लेट सपोज आपने स्टैटिक राउट्स जो है उनको एड किया है स्टैटिक राउट्स के केस में योर कंप्यूटर और योर मशीन इट गोज डाउन अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी मशीन जो है इट डाउन दैट मींस दैट स्टैटिक राउट इज नो लॉन्गर वैलिड। ओनली देन यू नीड टू गो इन एंड मैन्युअली चेंज दैट स्टैटिक राउट अब स्टूडेंट्स इस केस में आपके जो स्टैटिक राउट है उस केस में क्या होगा के टू स्टार्ट ऑफ विद दिस राउटिंग टेबल योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इट विल एक्चुअली इंसर्ट ऑल दीज राउट्स मैनुअल फ्रेंड्स ये मैनुअल इंसर्सन जो है ऑफकोर्स दिस इज अ टीडियस प्रोसेस यू कैन नॉट थिंक अबाउट डूइंग दिस मैनुअल इंसर्सन फॉर एवरी थिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट तो कुछ केसेज में आगे चल के हम लोग देखेंगे कुछ केसेज में दिस विल वर्क आउट इन ऑल द अदर केसेज विल यूज अन अदर टाइप ऑफ राउटिंग दैट वी हैव एंड दैट इज नोन एज डायनेमिक राउटिंग स्टूडेंट्स डायनेमिक राउटिंग जो है इस केस में आपके राउट्स जो हैं, दैट कैन चेंज दैट कैन अल्टर ऑटोमैटिकली एक इंटरेस्टिंग बात में इंटरेस्टिंग फीचर आपको बताऊं स्टैटिक राउट्स और डायनेमिक राउट्स दोनों केसेस में ये जो राउट्स हैं दीज आर इनिशियली टू स्टार्ट ऑफ विद सिस्टम इज एक्चुअली बूटेड उस वक्त सम बडी हैजू मैनुअली इन सर्ट राउट्स इन बोथ द आफ्टर दैट Static routes do not change. Dynamic routes they have the capability of altering, they have the capability of changing depending upon some error occurring in the network or depending upon changes in the network. For example, you have a dynamic route that is present in your routing table. Abus routing table mein dynamic route that specifies to a certain host on the network, on the internet. Students, kya Let us suppose that host goes down. If you are working with a static route, the route remains the same, it never changes. If you are working with the dynamic route, students, kya As soon as this host goes down, the dynamic route will change automatically. It will try to find another route that can take it across that specific host that just went down. The students, फिर हमने ये देखा कि के दोनों केसेस में टू स्टार्ट ऑफ वेथ टू बूट द सिस्टम हमने मैन्युअली ही राउट्स एंटर करने हैं और उसके बाद स्टैटिक राउट्स केस में राउट्स रिमेन द सेम दे डू नॉट चेंज अनुअली गोज एन चेंज इज द राउटें जेनेमिक राउटिंग केस में दिस इज नॉट द केस द राउट्स आर बींग चेंज ऑटोमेटिकली तो फिर देयर शुड बी एन एडिशनल कंपोनेंट

सॉफ्टवेयर या हम इसको कहते हैं राउटिंग सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स वेन यू आर वर्किंग विद डायनेमिक राउटिंग तो क्या होगा कि आपके जो रूट प्रोपोगेशन सॉफ्टवेयर है या जो आपका राउटिंग सॉफ्टवेयर है दी इज राउटिंग सॉफ्टवेयर दे कम्युनिकेट विद ईच अदर दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट मशीन्स हर मशीन जो डायनेमिक राउटिंग को यूज कर रही होगी उसके पास ये राउटिंग सॉफ्टवेयर होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन स्पेसिफिकेशन इट्स गोइंग टू हैव अ स्पेसिफिक राउटिंग सॉफ्टवेयर और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि राउटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं, ये आपस में बात भी कर सकते हैं दे कैन बी ऑफ द सेम टाइप दे कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप बट स्टिल दे कैन टॉक टू ईच अदर दिज राउटिंग सॉफ्टवेयर्स ऑन डिफरेंट मशीन्स दे विल टॉक टू ईच अदर एंड दे विल कम अपर्ड मशीन दिस विल टेल इट ओके थर्ड मशीन दैट इज शॉर्टेस्ट देट इज अ शॉर्टर राउट देन वट यू हैव फर्स्ट वन विल टेल ओके कैन यू गिव मी दाउट सेकेंड वन विल गिव द इन्फॉर्मेशन दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ द राउटिंग सॉफ्टवेयर दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ द राउटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज बींग डन बाय द राउटिंग सॉफ्टवेयर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग आप स्टूडेंट्स ये जो डायनेमिक और स्टेटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसको तो हम आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में हम सबसे पहले स्टैटिक राउट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बट ये राउटिंग सॉफ्टवेयर जो है इन अदर वर्ड्स राउट प्रोपिगेशन प्रोटोकॉल्स या राउटिंग प्रोटोकॉल्स वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट दैट गवर्न दिस राउटिंग सॉफ्टवेयर और फ्रेंड्स दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर विल टॉक अबाउट सम मेजर सम इम्पॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकोल्स हम देखेंगे कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैंट आर वैलड इन वर्ड स्पेसिफिक केसेस किस किन सीनैरियोज में हम उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हैं एंड वट आर द करेक्टरिस्टिक्स वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑफ दीज राउटिंग प्रोटोकोल्स स्टूडेंट्स सबसे पहले कुछ बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक राउट्स एंड द डिफॉल्ट राउटिंग जो है इट इज रिलेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू द डायनेमिक राउटिंग इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट

A lot less bandwidth is consumed because you don't need to propagate the routing information from here to there. Plus, the CPU processing time is also saved. If you have routing information go interchange between two computers, so your CPU cycles will be used more. Your CPU processing time will increase. So, static routing case because you don't have to make abrupt changes. You don't have to make dynamic changes. You don't have to use routing software. लेस बैंडविड्थ इज कंज्यूम्ड लेस सीपीयू पी साइकिल्स आर यूज स्टूडेंट्स ये तो कुछ प्रोज थे एडवांटेजेस अब स्टैटिक राउटिंग जो है इट इज आल्सो इनफ्लेक्सिबल एक सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है ये एरर्स को ये चेंजेस को जो कि आपके नेटवर्क में मौजूद हैं जो कि हो रही होती हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले भी मैंने आपको समझाया है अभी जब हम स्ट्रेटिक राउटिंग की बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई एरर होगा आपके नेटवर्क में जैसे ही कोई होस्ट डाउन होगा जैसे ही कोई लिंक ब्रेक होगा स्टेटिक राउट्स के केस में द राउट्स के नॉट चेंज बाय दम सेल्फ द राउट्स के नॉट चेंज डायनेमिकल समबडी विल हैव टू गो डिटेक्ट दैट एरर फिक्स दैट एंड देन मैनुअली चेंज दीज राउट्स इनिशलाइज तो आपने राउट्स कर दिए जब सिस्टम बूट होगा लेकिन उसके बाद वक्तन फॉर वक्तन समबडी हैज टू गो इन and somebody has to add that flexibility feature, somebody has to actually check in all the routes and then if some route is not available, somebody is actually have to manually alter or change that route. This point of view say, it is very inflexible. Again, like students, ye inflexibility, ki wajah se, that has not this inflexibility has not actually reduced the use of static routes in the internet. अभी भी अगर आप देखें तो मोर देन एटी नाइनटी परसेंट ऑफ द होस्ट होस्ट का मतलब क्या है नॉट द राउटर्स बट द होस्ट द मशीन्स डेट आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट दे यूज स्टेटिक राउटिंग आपकी टी सी पी आई पी प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं टी सी पी आई पी प्रॉपर्टीज में जाके आप एक स्पेसिफिक आई पी एड्रेस जो है उसको डाल देते हैं साथ ही एक डिफॉल्ट गेट वे स्पेसिफाई करते हैं

ऑलवेज यूज दिस डिफॉल्ट गेट वे जो घर से निकलने के लिए दरवाजा जिस तरह आप यूज करते हैं इस तरह इस कंप्यूटर से या इस होस्ट से निकलने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो उस डिफॉल्ट गेट वे को एज अ डोर यूज करेगी इट विल यूज इट एज अ गेट वे स्टूडेंट दिस इज हाउ यू वर्क आउट विथ स्टेटेक राउट अब आपको यह मालूम ही होगा थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेज वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ लैंड एनवाइ Or you are working in an internet, you actually need to specify a route, a static route on your host. Ki cases me up dynamically the IP achieve, and that cases we will discuss when we we'll go into the discussion of dynamic routing. So, students, in most of the cases, when you have multiple hosts connected in a small network, in sub-host pass. एक ही नेटवर्क से बाहर निकलने का गेटवे है एंड दैट कैन बी अ राउटर तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा कि आप जो हैं इन सारी मशीन्स पे इन सारे होस्ट पे स्टैटिक राउट्स को यूज कर सकते हैं स्लाइड की जानव चलते हैं और एक फिगर की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से किस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ वेयर यू कैन यूज दिस स्टैटिक राउट्स ऑन द होस्ट एंड हाउस स्टैटिक राउट्स कैन बेनिफिट बाई यूजिंग दैम ऑन द होस्ट ऑल दे आर नॉट फ्लेक्सिबल है ना स्वरेंट्स फिगर में देखिएगा कि आपके पास चार होस्ट मौजूद हैं इस छोटे से नेटवर्क पर और इस केस में आप ये देखिएगा कि एक स्पेसिफिक नेटवर्क एड्रेस जो हमारा है इस केस में वो है 128.10.0.0। और फ्रेंड्स इस नेटवर्क का आउटसाइड वर्ल्ड से इस नेटवर्क का इंटरनेट से देखेगा एक ही कनेक्शन आपके पास मौजूद है और वो कनेक्शन है वाया आर राउटर दैट इज शोन आउट हेयर बाय आर वन अब स्टूडेंट्स, बी पार्ट जो है उसमें एक राउटिंग टेबल हमने दिखाया हुआ है एंड दैट इज एक्चुअली शोइंग जस्ट टू स्टैटिक राउट ये देखें कि राउटिंग एक और इंफॉर्मेशन जो हमें इस फिगर से मिलती है वो ये है कि स्टैटिक राउटिंग के केस में आपके जो राउटिंग टेबल्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल अगर आप इंफॉर्मेशन uh, पर गौर करें स्टूडेंट तो ये देखिएगा कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चार होस्ट हमारे पास मौजूद हैं अब अगर इन होस्ट में से H4, H3, H2 और H1 इन्होंने आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो तो इस केस में द राउट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट यानी H4 जो है वो उसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद है अगर उसी नेटवर्क के किसी और होस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो दैट विल बी डिलीवर्ड डायरेक्ट और स्टूडेंट इस केस में आप ये देखें जो दरवाजा है हमारे पास जो गेट हमारे पास मौजूद है जो डोर हमारे पास मौजूद है इनऑर्डर टू गो आउटसाइड दिस नेटवर्क दैट इज आर राउटर आर वन और दैट इज गोइंग टू बी आर डिफॉल्ट गेट और स्टूडेंट्स इस राउटर का एड्रेस जो है वो आप देख रहे हैं दैट इज 128.10.0.100. ट्वेंटी दिस इज अ कनेक्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक नेटवर्क टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट या फिर आउटसाइड वर्ल्ड अब स्टूडेंट्स टेबल की एंट्रीज देख लें तीन कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द नेटवर्क एड्रेस द सेकेंड वन इज द मैस्क एंड द लास्ट वन इज द नेक्स्ट हॉप स्टूडेंट यह देखिएगा कि राउटिंग टेबल में इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी इन चारों होस्ट में से किसी किसी ने भी कुछ इंफॉर्मेशन अगर वन ट्वेंटी एट डॉट टेन डॉट जीरो डॉट जीरो पर भेजनी है जो कि इसी होस्ट का अपना ही नेटवर्क एड्रेस है तो इस केस में आप ये देखें कि नेक्स्ट हॉप क्या होगा द नेक्स्ट हॉप विल बी डायरेक्ट ट्रांसफर यानी कोई भी गेट वे यूज करने की जरूरत नहीं है आपका अगला कदम आपका अगला हॉप आपकी अगली जंप जो है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट एच फोर ने अगर एच थ्री को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो क्या होगा इस केस में बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क तो इस केस में द फर्स्ट राउट विल बी यूज एंड दैट राउट विल डायरेक्टली हैंडल राउट विल डायरेक्टली डिलीवर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम H4 फोर टू एच थ्री स्टूडेंट्स दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास ये है वही है कि जब इन होस्ट में से किसी ने आउटसाइड देयर ओन नेटवर्क दे हैव टू सेंड सम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पे मौजूद किसी और होस्ट को इंफॉर्मेशन भेजने की जब जरूरत पेश आए स्टूडेंट्स उस केस में क्या होगा

कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है तो देन द नेक्स्ट हट विल बी डायरेक्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू डिलीवर इफ यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड दिस नेटवर्क तो यू आर गोइंग टू हैव ओनली वन नेक्स्ट हॉप दैट इज गोइंग टू बी योर डिफॉल्टस्ट हॉप यानी सारे के सारे पैकेट सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी होस्ट पर जो मौजूद है या किसी भी होस्ट से जो बाहर जानी है वो इसी डिफॉल्ट गेट वे के थ्रू जाएगी दैट इज़ आर नेक्स्ट हॉप गिवन बाई वन टवेंटी एट डॉट टेन डॉट ज़ीरो डॉट हंड्रेड और स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन जो हमने इस फिगर से देखी वो ये है कि हमारा स्टैटिक राउटिंग टेबल जो है दैट स्टैटिक राउटिंग टेबल इट कैन बी वेरी स्मॉल यानी इस केस में दो एंट्रीज जो हैं वही हमारे पास काफ़ी हैं एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए और दूसरी जो कि हम डिफॉल्ट राउट के तौर पर यूज कर रहे हैं जो कि बाकी सब डेस्टिनेशन के लिए हम लोग फॉलो करेंगे अब स्टूडेंट्स इस केस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर वी लीव दिस फिगर और वो ये है कि क्या हम इस स्टैटिक राउटिंग को आई मीन ये तो छोटा सा हमारा नेटवर्क था जिसको हमने देखा कैन वी यूज द सेम टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग ऑन द इंटरनेट तो स्टूडेंट इसका जवाब मैंने पहले भी आपको दिया है आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड दस एंड मोस्ट ऑफ द मशीन्स मोस्ट ऑफ द पी ऑन द इंटरनेट दे यूज स्टैटिक राउटिंग जब आप मैंने पहले बताया कि आई सॉफ्टवेयर को जब पी में कन्फिगर करेंगे या टीसीपी आई प्रॉपर्टीज को जब आप कन्फिगर करते हैं तो उस केस में आप एक नेटवर्क प्रिफिक्स ऐड करते हैं आईपी एड्रेस या नेटवर्क प्रिफिक्स यू ऐड अ सबनेट मास्क एंड देन यू ऐड द एड्रेस ऑफ अ डिफॉल्ट आईपी राउटर और ये तीन आइटम्स जो हैं स्टूडेंट्स ये तीनों आइटम्स दे विल बी सफिशेंट टू एक्चुअली कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अस्टार्टिंग राउटिंग टेबल दैट इज शोन इन द बी पार्ट ऑफ दिस फिगर स्टूडेंट्स जब आपका पीसी या आपका कंप्यूटर जब इनिशियली जब बूट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन तीनों वैल्यूज को एक तो नेटवर्क प्रीफिक्स को सबनेट मास्क को और उसके बाद डिफॉल्ट आईपी राउटर के एड्रेस को ये उठाएगा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से उठाएगा एंड देन इट विल यूज डेम टू कंस्ट्रक्ट अ राउटिंग टेबल स्टूडेंट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक राउटिंग आपने देखा कि किस तरह से स्टेटिक राउटिंग एक नेटवर्क में काम करती है और किस तरह से ये हमारे पास जो स्टैटिक राउटिंग टेबल जो है ये काम करता है एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट मेजरली योर होस्ट्स दे दे यूज दिस दिस राउटिंग टेबल एंड द रीजन फॉर दैट वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज कि आपका राउटिंग टेबल जो है होस्ट के अंदर दैट कैन बी एक्सट्रीमली स्मॉल स्टूडेंट्स ये तो था स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात करेंगे दूसरी टाइप की राउटिंग की एंड दैट इज कोर्स द डनेमिक राउटिंग स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अ क्वेश्चन विद अ स्मॉल क्वेरी होस्ट की तो हमने बात की कि होस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं वी कैन यूज स्टैटिक राउटर्स वी कैन यूज स्टैटिक राउटिंग स्टूडेंट्स कैन आर राउटर्स ऑल्सो यूज द स्टैटिक राउटिंग और अगर राउटर्स हमारे टेक राउटिंग को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस केस में हमारे राउटिंग टेबल का राउटिंग इंफॉर्मेशन का साइज कितना साइज ऑफ अ राउटिंग टेबल इन दैट राउटर कैन बी इवन यूज दैट हाउ कॉम्प्लेक्स दैट राउटिंग टेबल इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स इन Ka jo, jo jawab hai, I mean, it is very difficult to actually, you know, give a specific answer to all of these questions. But there are some or very few cases where your routers do use static routing. Other than those cases, all the routers they work with dynamic routing. Information in the routers it dynamically changes. इससे पहले कि मैं डाइनामिक राउटिंग की डिटेल में जाऊं और आपको बताऊं कि राउटर्स किस तरह से डायनेमिक राउटिंग को यूज़ करते हैं एक बार फिर अपनी उसी फिगर की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो चंद केसेस या वो एक रेयर केस कौन सा हो सकता है कि जिसमें आपके राउटर्स जो हैं वो स्टेटिक राउटिंग को यूज़ करें लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड वन सकैन अब स्टूडेंट्स इसी स्लाइड में देखिएगा कि आपके पास इस केस में इफ यू जस्ट

लिए हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने और इसमें ये चार होस्ट मौजूद हैं असल इस केस में ये देखें कि सारी की सारी ट्रैफिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की इन चार होस्ट में से या इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में से निकलेगी वो राउटर आर के थ्रू जाएगी एंड देन राउटर आर के थ्रू इट मस्ट ट्रेवल टू द आई अब यहां पर डायलॉग भी हो सकता है यहाँ पे डीएसएल कनेक्शन मेजरली वी कैन टॉक अबाउट दैट यू कैन अ केबल इंटरनेट बट ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम दिस स्पेसिफिक नेटवर्क राउटर एंड गो टू एन आईएसपी सारी ट्रैफिक जो है राउटर से निकलकर आईएसपी में जा रही है अब स्टूडेंट्स राउट्स जो है बिकॉज दिस राउट्स इन द राउटिंग टेबल आपके जो राउटर है राउटर के राउटिंग टेबल में राउट्स कभी चेंज नहीं होते यानी कि जो भी ट्रैफिक आपके पास इस नेटवर्क में से आएगी इस नेटवर्क में मौजूद किसी भी होस्ट में से निकल के आएगी आपका राउटर R1 जो है वो इस केस में सिर्फ ISP से कनेक्टेड है वो सारी की सारी ट्रैफिक जो है दैट हैज टू गो टू द ISP एंड देन ISP विल टेक केयर ऑफ राउटिंग दैट ट्रैफिक ऑन टू द इंटरनेट तो स्टूडेंट्स इस केस में बिकॉज योर राउट्स विल नॉट चेंज टू द राउटिंग टेबल इन योर राउटर आर दैट कैन बी स्टेटक दैट कैन बी फिक्स क्योंकि इस राउटर आर वन केस में अब हमने टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट की बजाय वी आर कनेक्टेड टू एन आई एस पी एंड ऑल द ट्रैफिक दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस नेटवर्क दैट गोज डायरेक्टली टू दट आईएसपी एंड ओनली टू दैट आई एस पी स्टूडेंट्स ये वो एक एक्सेप्शनल एक केस था जिसमें अ राउटर कैन यूज अ स्टेटिक राउटिंग टेबल और स्टूडेंट्स इस केस में अब यह भी गौर करें कि अगर आपके पास ये केस है व्हेन द राउट्स रिमेन फिक्सड ओनली ओनली राउट राउटर हैज इज फॉर आईएसपी, यू कैन आल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट राउट जिस तरह से आपने होस्ट के केस में डिफॉल्ट राउट यूज किया था इस तरह से हम राउटर के केस में भी जो स्टैटिक राउटिंग टेबल यूज करेंगे उसमें एक डिफॉल्ट राउट डाल सकते हैं कि जो भी ट्रैफिक वन से आए उस सारी की सारी ट्रैफिक को बाय डिफॉल्ट उठाकर आई के ऊपर भेज दो यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट राउट इन दिस केस लेकिन स्टूडेंट्स कुछ एक्सेप्शन जैसे कि मैंने आपको अभी ये इस फिगर से एक्सेप्शन समझाई इनके अलावा स्टेटिक राउटिंग जो है और डिफॉल्ट राउटर्स जो है ये राउटर्स केस में दे डू नॉट वर्क वेल इनका जो इस्तेमाल है यह सिर्फ उन्ही केसेज में हो सकता है जिसमें वी हैव अ लिमिटेड और अ स्मॉल और सिंपल टाइप ऑफ कंफिगरेशन दैट आई हैव जस्ट शोन यू दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट ऑन योर स्लाइड्स एट द मोमेंट अब स्टूडेंट्स, जब हमारे दो आईएसपी आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे अगली स्लाइड की जानब चलते हैं और अगली फिगर से मैं आपको समझाता हूं कि व्हेन यू एक्चुअली हैव टू आई कनेक्टिंग टू ईच अदर तो इस केस में दोनों आई जो हैं दे नीड टू एक्सचेंज द राउटिंग इन्फॉर्मेशन डानेमिकली आई से मेरी मुराद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अब फ्रीडेंड्स फिगर को देखें जरा इस केस में आपके सामने हमारे पास तीन डिफरेंट नेटवर्क मौजूद है नेट वन नेट टू और नेट थ्री स्टूडेंट्स नेट टू जो है राउटर जो है दैट इज ऑल्सो आर वन इज ऑल्सो ओन्ड बाई आई एस पी वन सिमिलरली स्टूडेंट्स आपका जो राउटर आर टू है दैट इज ओन्ड बाय आई एस पी टू अब स्टूडेंट्स दोनों राउटर जो है हमारे पास

नेट टू एंड द रीजन फॉर दैट इज इज अगेन बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन तो स्टूडेंट्स यदि डायरेक्ट कनेक्शन ही हमारे पास नहीं है जब हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है तो देन हाउ कैन वन राउटर दैट इज प्रजेंट इन वन आई एस पी इट कैन हैव राउट्स टू द नेटवर्कस दैट इज ओन्ड बाय द कस्टमर्स ऑफ एन अदर आई एस पी आर टू के पास जब उसको नेट टू के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर आर टू के अंदर किस तरह से हम ये राउट्स रख सकते हैं दैट कैन एक्चुअली टेल दिस राउटर आर टू दैट व्हाट होस्ट्स आर प्रेजेंट ऑन नेट टू और उन तक कैसे राउट किया जाए इन्फॉर्मेशन को उन तक कैसे पहुंचा जाए अब स्टूडेंट्स इस केस में भी आप ये देखें क्योंकि हमारा नेटवर्क काफी सिंपल सा है तो इट सीम्स लाइक स्टेटिक राउटिंग जो है दैट विल वर्क बट स्टूडेंट्स स्टिल

इट्स इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज स्ट्रेटिक राउट्स वैन यू आर वर्किंग विद द इंटरनेट मैनल प्रोसेस विल बी टू स्लो अब स्टूडेंट्स के किस तरह से इंश्योर किया जाए कि सारे राउटर्स जो हैं उनके पास हर पॉसिबल डेस्टिनेशन जो है उस तक पहुंचने का राउट मौजूद हो तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हर राउटर के पास एक राउटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद होगा एंड दैट विल यूज आर राउटिंग प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन विद उटर्स अफ जैसे ही राउटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको यह पता चलेगा कि राउट्स में कुछ चेंजेस आई हैं तो क्या होगा इट विल अपडेट द लोकल राउटिंग टेबल और अपने लोकल राउटिंग टेबल को अपडेट करने के बाद आपके जो राउटर्स हैं वो इस राउटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सचेंज दिस इंफॉर्मेशन तो वो क्या करेगा लोकल राउटिंग टेबल को अपडेट करने के बाद वो इस इंफॉर्मेशन को भिजवाएगा अपने नैट वन पे और फिर ऑटोमेटिकली दूसरे आर टू या राउटर आर टू को और उसको बताएगा कि ये नेट राउट जो है मेरे पास चेंज हो गया है इसको अपने पास अपडेट कर लो एंड दिस इज ऑल डन बाई यूजिंग द राउटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज प्रजेंट ऑन बोथ ऑफ दीज राउटर्स स्टूडेंट्स समराइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को और ये देखें कि एज कम्पेयर टू मैनुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज राउट्स

राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और एक बात पर गौर कीजिएगा कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन की जो एक्सचेंज है राउटर्सूड्स so क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो कि आर टू पे है सॉफ्टवेयर दैट इज रनिंग ऑन आर वन दैट विल इंस्टॉल आर राउट टू नेट थ्री दोनों के पास कॉरेस्पॉन्डिंग नेटवर्क के राउट आ गए ओके अब स्टूडेंट्स अगर आर टू लेट सपोज राउटर आर टू अगर क्रैश कर जाएगा तो क्या होगा कि आपके पास जो राउट प्रोपोगेशन सॉफ्टवेयर है आर वन में दैट विल डिटेक्ट दैट नेट थ्री इज नो लॉन्गर रीचेबल और क्या करेगा वो कि वो अपने आर वन के टेबल में से राउटिंग टेबल में से नेट थ्री के राउट को निकाल देगा इट विल रिमूवेट डायनेमिकली उसके बाद लेट सपोज इफ आर टू कम्स बैकअप ऑनलाइन तो अब क्या होगा R1 दोबारा से नेटवर्क 3 को एक्सेस करेगा तो अगेन द राउटिंग सॉफ्टवेयर इन R1 विल सी दैट नेटवर्क 3 इज रीचेबल अगेन और फिर वो क्या करेगा कि इट विल रीइंस्टॉल इंस्टॉल दैट राउट इन इट्स लोकल राउटिंग टेबल तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्सेप्ट था डायनेमिक राउटिंग का आई नो दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट ऑन फ्रॉम द स्लाइड इट कैन बी अ लिटल कन्फ्यूजिंग इस कॉन्सेप्ट को इसी दो टॉपिक्स को मैं आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं और आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल से दिया हमने सिर्फ दो टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के तो कोशिश कीजिएगा कि इस इंफॉर्मेशन को जो कि हमने आज ली है इसको बुक से भी आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करें बुक से भी इन दो टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा ताकि हम आगे जब चलें इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर तो आपको चीज़ों को समझने में कोई मुश्किल ना हो स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर में हमने ये दो ही टॉपिक्स स्टडी किए हैं स्टैटिक राउटिंग एंड डाइनामिक राउटिंग जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो ऑन एंड विल मूव ऑन विद दिस डिस्कशन विल टॉक बेट अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट डेट इज़ नोन एज ऑटोनस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड दैन वल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट राउट प्रोपोगेशन प्रोटोकॉल्स तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदाफेज